आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग टैली के अंदर में रिवाइज प्राइस लिस्ट के बारे में हम आपको लेके आए हैं। हम आपको पीछे के सेशन में प्राइस लिस्ट बनाना, कस्टमर का, होलसेलर का, रिटेलर का, इस तरह का प्राइस लिस्ट बनाना, उसको सेल एंट्री करना, प्राइस लिस्ट तैयार करना और उसको सेल वाउचर में एंट्री करके और प्राइस लिस्ट देखना हम आपको बता चुके हैं। आशा करते हैं कि हमारा पीछे से सारा वीडियो आप देखते आ रहे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि प्राइस लिस्ट को सेल के अंदर में कैसे हम करेंगे और उसका हम लोग प्राइस लिस्ट कैसे देखेंगे। आज के इस सेशन में हम लोग के लेके आए हैं रिवाइज प्राइस लिस्ट। सपोज कीजिए कि हम प्राइस लिस्ट बना चुके हैं, उस प्राइस लिस्ट को हम लोग रिवाइज मतलब कुछ सुधार करना चाहते हैं, कुछ ऑफर देना चाहते हैं, कुछ कमीशन घटाना चाहते हैं, किसी का कमीशन हम बढ़ाना चाहते हैं, तो ये प्राइस लिस्ट में कैसे करेंगे। या हम चाहते हैं कि इस डेट तक हम दिए, अब जो मेरा नया बिल कटेगा उसका कुछ प्राइस लिस्ट कुछ और होगा उस एप्लीकेबल के ख्याल से, तो इसको हम इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिवाइज प्राइस लिस्ट, या कह सकते हैं चेंज अल्टर प्राइस लिस्ट या चेंज स्टॉक आइटम प्राइस इन टैली, इस तरह से कर सकते हैं, या हाउ टू चेंज द प्राइस ऑफ द स्टॉक आइटम, हाउ वी कैन रीस्टोर द प्राइस इन टैली, बहुत सारा बात है। इस तरह का कंसेप्ट हम आपको आज बताएंगे। तो हम पहले वाला ही कंपनी खोलिए जिसमें हम प्राइस लिस्ट वगैरह तैयार कर चुके हैं, या जो तैयार किए उस कंपनी को खोलिए। अब हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में है, यहाँ पे आपको इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन मिलता है और यहीं पे हमारा दिखता है प्राइस लिस्ट। अब प्राइस लिस्ट में आइए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ऑल आइटम लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है, इसके हिसाब से दिखाएगा। यहीं पे लिखा हुआ है रिवाइज प्राइस लिस्ट, रिवाइज प्राइस लिस्ट या आर के नीचे सिंगल अंडरस्कोर जैसे दिखता है, मतलब अल्ट के साथ आप आर भी दे सकते हैं तो रिवाइज प्राइस लिस्ट आपको काम करेगा। तो आप इसको दबाइए। अब यहीं पे लिखता है स्टॉक ग्रुप नेम ऑल आइटम, ग्रुप ए ग्रुप बी हम बना चुके हैं, अगर चाहते हैं सिर्फ ग्रुप पे करें तो खोलिए, ग्रुप बी पे चाहते हैं तो खोलिए, या आप चाहते हैं कि सभी आइटम पे करें तो आप ऑल आइटम लीजिए। हम अभी चाहते हैं कि सब पे करें इसलिए ऑल आइटम चूज करेंगे। अब प्राइस लेवल पूछता है, हम लिस्ट ऑफ प्राइस लेवल रिटेलर, सेमी होलसेलर और होलसेलर हम बना चुके हैं, ये आपको बनाने आता है। अब इसमें हम आज इसको रिवाइज करना जानेंगे। तो सपोज कीजिए कि रिटेलर के प्राइस में हम कुछ रिवाइज करना चाहते हैं, इधर मारिए। अब लिखता है एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जून से लिए हुए हैं, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे रिटेलर में डालते हैं कि 1909 और 2024 से लागू होगा, ये पूछता है यहाँ पे रिवाइज प्राइस। यहाँ पे टाइप ऑफ रिवाइज प्राइस लिस्ट लिखता है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। इसके बाद लिखता है डिक्रीज बाई अमाउंट, डिक्रीज बाई परसेंटेज, इंक्रीज बाई अमाउंट, इंक्रीज बाई परसेंटेज। अगर आप रिटेलर को कुछ प्राइस बढ़ाना चाहते हैं तो घटाना चाहते हैं तो डिक्रीज कीजिए, अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इंक्रीज किए, अमाउंट और परसेंटेज के हिसाब से। अब हम रिटेलर को कुछ देना चाहते हैं सपोज कीजिए, तो हम इंक्रीज वाइज अमाउंट करते हैं। अब कितना अमाउंट हम बढ़ाते हैं, सपोज कीजिए कि हम इसको 30 रुपया बढ़ा कर देते हैं। एक बात हमारा बता दें कि ये जो लागू होगा ये पूरे रिटेलर पर जहाँ जहाँ पर हम बनाए हैं सब पे आपका लागू होगा। अब खोलिए, अब यहाँ पूछता है रिवाइज डिस्काउंट, ये डिक्रीज बाय परसेंटेज, इंक्रीज बाय परसेंटेज, डिक्रीज माने घटना, इंक्रीज माने बढ़ाना। तो अगर सपोज कीजिए कि हम चाहते हैं कि कुछ इंक्रीज कर दे परसेंटेज, जो वहाँ पे हम अब नहीं दे रहे थे, हम अब इसको 1% हम इसको देना चाहते हैं। अब यहाँ पूछता है रिवाइज प्राइस लिस्ट अपडेटेड, आप लिखता है प्रेस एनी की टी टू व्यू प्राइस लिस्ट, सब लिखता है, आप जो ही इंटर मारेंगे ये देखिए आपको इस रूप से दिखता है। ये देखिए हमारा बुक के लिए हमने जो भी दिया था, और यहाँ पर देखिए 1 जून को हमारा क्या था, इसके हिसाब से अभी हम 3% के हिसाब से सेट किए, ये हमारा एप्लीकेबल फ्रॉम 1 सितंबर से, तो इसके लिए आपका प्राइस लिस्ट यहाँ पे दिया।
तो इस तरह से आप जिसका प्राइस लिस्ट सुधार करना चाहे आप उसके हिसाब से कर लिए। तो हम सपोज कीजिए कि रिटेलर के हिसाब से हम किए, तो आप यहाँ से भी आप प्राइस लिस्ट पे ले सकते हैं। अब फिर इसको यहीं से खोलिए और फिर ऑल आइटम में चलिए। अब रिटेलर के बदले में हम सेमी होलसेलर को कुछ करना चाहते हैं, ये भी उसी डेट से लागू होगा। इसको भी हम इंक्रीज बाय अमाउंट करेंगे, कुछ बढ़ाते हैं। हम इसमें 100 रुपया का इंक्रीज करना चाहते हैं और ये हमारा पूछता है डिक्रीज बाय परसेंटेज, तो हम सपोज कीजिए कि 5% देना चाहते हैं और आप किसको कीजिए। तो यहाँ पे देखिए उसी हिसाब से हमारा, इसके हिसाब से आपको डिस्काउंट और यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे आपका ये आया। तो इस टाइप से हम लोग प्राइस लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसके हिसाब से हमारा काम हो जाएगा। अब फिर से आप बाहर निकलिए, आप फिर से बाहर निकल सकते हैं, फिर प्राइस लिस्ट में चलते हैं, ऑल आइटम चलिए और हम होलसेलर के प्राइस लिस्ट में हम इसको 1, 10, 20, 24 से लागू होगा ये। अब वही बात है, यहाँ पे आपको सिंगल स्टॉक आइटम सिंगल करने के लिए दिया, बुक करने के लिए दिया। सपोज कीजिए कि 50 पीस ले जाएगा तो क्या रेट लगेगा, तो 200 रुपये के रेट से लगेगा। अब इसको डिस्काउंट हम नहीं देना चाहते हैं, 50 और 100 के बीच का रहेगा, तो हम इसको मान लीजिए ये 150 रुपये देंगे और प्लस हम इसको 2% डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो इस तरह से आप न्यू प्राइस लिस्ट आप यहां से भी आप तैयार कर सकते हैं। ये हमारा लागू होगा 1 अक्टूबर से, होलसेलर के लिए जो प्राइस दे रहे थे उसके हिसाब से हमारा अब लागू होगा। और इसके हिसाब से 100 above जाएगा तो हम इसको सपोज कीजिए कि 100 रुपये से देंगे और 3% डिस्काउंट देंगे। अब हम फिर माउस के लिए सेट करते हैं। अब हमारा पहले से देखिए इस सब का रेट सेट किया हुआ है, 300 पर स्पीड पे इतना इतना हिसाब से लिया हुआ है। अब हम इसको देते हैं कि 100 पीस से कम लेता है तो इसको 350 रुपये से देंगे, कोई डिस्काउंट नहीं। 100 से ये 200 के बीच में लेता है तो 300 रुपये देंगे और इसको हम 2% डिस्काउंट देंगे, और 200 से अबव लेता है तो 300 रुपये रेट से ले जाएगा और हम इसको 5% डिस्काउंट देंगे। और बनाना है तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सिंगल स्टॉक आइटम पे भी आप चाहे तो प्राइस लिस्ट बना घटा सकते हैं, या उसके लिए इस रूप से हमारा कि आपका एक्सेप्ट करके देखता है। तो इस टाइप से हम लोग जाने कि किसी भी अंदर का किसी भी सेल या किसी भी अंदर का अगर प्राइस लिस्ट बढ़ाना चाहेंगे तो आप कैसे बनाएंगे, इसको रिवाइज प्राइस लिस्ट करते हैं। या हम किसी एक आइटम पर अगर रिवाइज करने के लिए काम करेंगे तो वही बात हो जाती है, आप फिर से प्राइस लिस्ट में चलिए, यहाँ पे ऑल आइटम लीजिए, होलसेलर रिटेलर आप जिसका मन है लीजिए। हम होलसेलर को लेते हैं और 1 अक्टूबर के अलावा हम यहाँ पे डालते हैं 1, 12 दिसंबर को 2024 लेते हैं, ये उस डेट से हमारा प्रभावी होगा। तो फिर नया प्राइस लिस्ट हमारे पास हाजिर है, 1 अक्टूबर तक जो हम प्राइस लिस्ट लास्ट तैयार किए थे वो हमारा है ही। फिर नया सपोज कीजिए कि हम लोग बुक नहीं, हम लोग यहाँ पे माउस में देना चाहते हैं कि माउस अगर 200 पीस खरीदता है या 2000 पीस खरीदता है तो इसको हम लोग 200 रुपये में बेचेंगे और 1% का डिस्काउंट देंगे। 2000 से लेकर के 3000 के पीस में लेगा तो 150 रुपये देंगे और 3% डिस्काउंट देंगे, उससे ऊपर लेगा तो 100 रुपये बेचेंगे। इस तरह से हम लोग प्राइस लिस्ट में रिवाइज करके देख सकते हैं। तो हम लोग ये जाने कि अगर हम प्राइस लिस्ट बना चुके हैं तो बाद में भी प्राइस लिस्ट को रिवाइज किया जा सकता है कि अब तक मेरा ऑफर ये था, अब आज के बाद या आने वाले समय में जब हम सेल का बिल काटेंगे तो उसके हिसाब से हमारा रिवाइज प्राइस ये आपका काम करेगा। तो ये रहा हमारा कि ये टैली के अंदर में होलसेलर रिटेलर का रिवाइज प्राइस का हम लोग कैसे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और प्राइस लिस्ट में जाएंगे और यहीं पे हमारा रिवाइज प्राइस लिस्ट लिखता है। होलसेलर, सेमी होलसेलर, रिटेलर या स्टॉक आइटम पे बारी बारी से आप या जिसको जैसा चाहे उस रूप से हम लोग स्टॉक आइटम पे या होलसेलर पे
प्राइस को रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि टैली के अंदर में हम लोग रिवाइज प्राइस लिस्ट हम लोग कैसे तैयार करेंगे। हम जो पहले से प्राइस तैयार किए हुए हैं, अगर उसमें कुछ रिवाइज तैयार करना होगा, प्राइस को रिवाइज करना होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे। इतना देखिए, आप बना चुके हैं, इसको प्रैक्टिस करिए। तब तक नए सेशन में नए वीडियो के साथ हम फिर आपसे मिलते हैं।